जो हमारे शहर है ऋषिकेश मुनिकेरी थी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पार्किंग ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए जो संबंधित अधिकारी थे उनके साथ बैठे थे हम लोग, क्योंकि इस पे हम विभिन्न स्रोतों से टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। तो सर, ये आपका जो मैनेज है आपका इंश्योरेंस सेक्टर, इस पर जो फ्लाईओवर बनना है लखनऊपुर में, ये जाम की बहुत बड़ी समस्या है, इसको इस पे जो संबंधित डिपार्टमेंट है हमारा PWD वो उस पर काम कर रहा है और ये भारत सरकार से भी टिकअप किया गया है। सर, नमामि गंगे को लेकर आपने बात की कि सारे नाले टैप हुए नहीं हुए, लेकिन रंभा नदी जो है बहुत बड़ी नदी और हज़ारों लोगों का जो है सीवर उसमें जाता है और सीधे गंगा में जा रहा है, अभी तक टैप नहीं हो पाया, उस पर कुछ नहीं किया जा रहा है, कई वर्षों की मांग चल रही है। अब उसमें इसीलिए जो जिलाधिकारी थे उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि इसको साइट पे दिखवा लें एक स्थानीय अधिकारियों की टीम के साथ, और उसकी भी जो भी रिपोर्ट है ग्राउंड सिचुएशन उसको भेजें शासन को। सर, कोई देर बाद कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश सरकार? तो कांवड़ यात्रा को लेकर ये कोई ऐसी बात नहीं कि पहली बार हो रहा हो, कांवड़ यात्रा हर एक साल होती है और जो हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो भी इसमें एजेंसी लगी हैं उनको मालूम है, उन लोग अपनी उस पर नियमित काम कर रहे हैं। सर, पैरा से गरुड़ चट्टी तक बोट स्टीमर चलाने की बात सामने है? नहीं, वो अभी वो तो एक थॉट स्टेज पे है, उसकी तो बहुत स्टडी करने की ज़रूरत होगी उसके बाद। सर, निर्देश क्या क्या दिए गए हैं? अब बता दिया यार।